हेलो पेटीएम वगैरह हाँ हाँ छोड़वा कहाँ छो कहाँ भेटे छो जय श्री राम 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 भगवान की जय।
महाराज श्री रामवन कथा मंच पे हो चुका है, अतः सभी कथा रक्षित भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने कार्यों को विश्राम देते हुए इसी कथा पांडाल में अपने अपने स्थान को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो और महाराज श्री के मुखारविंद से भगवान के अमृत में कथा का स्थान करें। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है। उसे निवेदन है माँ काली मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा प्रारंभ होने जा रही है, आप सभी भाई बहन कथा श्रवण करने के लिए श्री काली मंदिर खुटहरी आने का कष्ट करें। सर्वप्रथम इस हमारे आयोजन के प्रधान सेवक हमारे शिष्यगण श्री ठाकुर प्रसाद शाह, श्री केदार शर्मा, श्री गोवर्धन गुप्ता इत्यादि लोग और हमारे हनुमान जी श्री अशोक यादव जी महाराज, ये सब अपने व्यासासन पर और भगवान की पूजा प्रेम से करें। आज आचार्य जी पूजा पर ढंग से करवाइएगा, पूरा शांति पाठ राम भद्रा पुरुषों की श्री सुख अपने ढंग से करवाइए, थोड़ा हमको आराम देने दीजिए। ए बेटा एक माइक दे दो उनको, कोडलेस वाला कोडलेस नहीं, कोडलेस तुम्हारे पास दे दो। हाँ चले श्री सीताराम वहाँ सीटी मारता है, ऐसी करी हूँ ना, ऐसी वहाँ आ गया है उसके सामने ना, हूँ माइक के सामने सीटी मारता है हेलो चलो। हरिओम माँ पवित्रा पवित्रो सर्वावस्थाङ्गदोऽपि पुनन्तु मनुषाधयः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि माम् ओम मा पवित्रे सौ वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवौ गुरुणाम छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती पते पवित्र पूत श्रतकामः पुने तक्षके अम्मा हरिओं माया नो भद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतो दवधासौ अपरीदास उद्भिदः देवानो आसन्न प्रायो रक्षिदारो दिवे मम श्रीना सरस्वती नः शुभकामय शरदो दन्नो मा
सोत्रा दधा लोकान्न कल्पयन् मजत्पुरुषेण हविहा देवा जगमतर्वता वशा
संतोष श्री राम जनकी समय महाशरध्वनि सदाशा सन परिधय श्री कृताहा देवा जगंदन वानाय वधन पुरुषम पशो माजने नजनमय जन्द देवा सारि धर्मानि प्रथमानि आसन्न देहनाम महिमानं सब विधि तुलसी की
सीता समारोपित वाम भागम
पाणो महासायक चारु चापनु नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाधये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुड़बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेव सुतं देवम् कंस चारूरमर्दनम् श्रीदेवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगेयम् सकल गुण निधानम बालराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि जड़ चेतन जगदी उजत सकल राम में जान बंद हो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सबो घरन की धन या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय श्री राधापति कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री सीताराम। आइए सब लोग एक साथ मिलकर अपने अपने मन और वाणी को पावन करें श्री भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम मंगल भवन मंगल हारी
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तन के रखवारे राम, भक्तन के रखवारे विद्या मागत तुलसी
पास कर जो रे मांगत तुलसी दास कर जो रे बस ही राम सिया मानस मोरे 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 गाइए गणपति जगमंदन गणपति जगमंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भगवान की जय सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रहिए मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जा आन लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा भल या सत्याग सुबह काम करते रहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए जिंदगी की दौड़ सौंप हाथ सीतानाथ के महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम कहि विधि रहिए आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी का दूजा नाता तोड़ दे साधु संग राम रंग 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 रंगिए जय विधि राखे राम कहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम कहि विधि रहिए जय विधि राखे राम कहि विधि रहिए जय विधि राखे राम कहि विधि रहिए बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय श्री राम दरबार की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री राम सीत मानस भगवान की जय भगवती पराम्बा जगदम्बा काली महारानी की जय 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 सीताराम परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांडाधिनायक अकारण करुणा बहुलालय श्री अयोध्यानाथ वध बिहारी भगवान सीताराम जी महाराज की कृपा से हम सभी भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ काली मंदिर प्रांगण में विराट नवदिवसीय रामकथा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। इस पावन अनुष्ठान का आज पांचवा दिन है। बिल्कुल रामकथा का मध्य है मध्य। कल भगवान की कथा में आपने श्रवण किया, अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ, अवतार के बाद उत्सव हुआ है। अयोध्या में प्रकट भय राम बधाई हो बधाई हो अयोध्या में प्रकट भय राम बधाई हो बधाई मची चहुआर जय जय तार बधाई चहुमोर जय जय का बधाई ओ बधाई हो कठिन तप करके मनु दंपति प्रभु को पुत्र ने पाया प्रभु को पुत्र ने पाया कठिन तप करके मनु दंपति प्रभु को पुत्र ने
के नौमी चैत सुद पक्ष के नौमी बधाई हो बधाई हो चैत सुद पक्ष के नौमी बधाई हो बधाई हो अयोध्या में प्रकट भय राम बधाई हो बधाई चहूं और जय जयकार बधाई हो बधाई हो आ सरकार मोड में है क्या बात है सही दे रे रे अयोध्या में प्रकट भय राम बधाई हो बधाई महल है राजा दशरथ का बहुत प्यारी कौशल्या की प्यारी कौशल्या की महल है रथ का गोद प्यारी कौशल्या की गोद प्यारी कौशल्या की अवध की भूमि अति पावन अवध की भूमि अति पावन बधाई हो अवध की भूमि अति पावन सुमित्रा जन्म कैके सुमित्रा जन्म कैके भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण सुमित्रा जन्म कैके सुमित्रा जन्म कैके बजे मृदंग सहनाई मृदंग सहना संत जन नाचे
संत हर से जय सुख जय संत हर से सुमन परसे संत हर से सुमन परसे बधाई हो बधाई हो संत हर से सुमन परसे बधाई हो बधाई हो अयोध्या में प्रकट भय राम बधाई हो बधाई हो अयोध्या में प्रकट राम बधाई हो बधाई हो प्रभु से भक्त जन मांगे कृपा दृष्टि बने ऊपर कृपा दृष्टि बने ऊपर प्रभु से भक्त जन मांगे कृपा दृष्टि बने ऊपर कृपा दृष्टि बने ऊपर बसे सबके नयन में राम बसे सबके नयन में राम बधाई हो बधाई हो बसे सबके नयन में राम बधाई हो बधाई हो अयोध्या में प्रकट भय राम बधाई हो बधाई हो मची चहु और जय जयकार बधाई हो बधाई हो मची चहु और जय जयकार बधाई हो बधाई बोली अयोध्या राम लला की श्री सरयू मैया की चारों भैया की जय भगवान के अवतार के बाद अयोध्या जी में तुलसी बाबा ने अपनी मानस में लिखा है एक महीने का जन्मोत्सव हो रहा है एक महीने का मास दिवस का दिवस भाव मरमन जाने को रथ समय तर बिठा क्यों निशा कवन विधि हो आज हमारी यात्रा राम कथा में राम विवाह तक है इसलिए आइए हम हर प्रसंग का दर्शन करते हुए अपने प्रसंग की ओर आगे बढ़े भगवान राम के जन्म के बाद राजमहल में दर्शन करने वालों का तांता लगा है तुरंत असुर नाग सुर नर मुनि देवा आई करे रघुनायक सेवा असुर माने अथवा अस्तुत करे ही नाग मुनि देवा नाग माने पाताल वाले मुनि माने धरती वाले देवा माने आकाश वाले आज राम के जन्मोत्सव में आकाश पाताल धरती के सब लोग आए के राम जी की सेवा इधर अयोध्या के पास काशी है बोलो विश्वनाथ भगवान की क्योंकि तो राम कथा के प्रथम आचार्य भगवान शंकर हैं यही राम कथा भगवती का पार्वती को सुना भी रहे तो कहते क्या है और कहू एक निज चोरी सुन गिर जायत दृढ़ मति तोई काग भूषण निसंग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को काशी विश्वनाथ प्रभु ने सोचा मेरे इष्ट भगवान राम है हो चलो अयोध्या में बालक राम का दर्शन देखो भाई बच्चा हो इसे भी सबका अच्छा बालक किसी का हो अच्छा लगता नहीं लगता बालक किसी का हो चाहे कुत्ते का पिल्ला हो तो भी गोद में लेके मुआ सुअर का बच्चा हो गोद में लेके मुआ लेकिन बुढ़ो बाबा कोई हो माने बच्चों से सब प्रेम करते हैं बूढ़ों से वो आप लोग जानती नहीं जानती मैं क्या करूं राम मुझे बच्चा नहीं मिल गया बूढ़ा मिल गया सियावर राव
एक बार किसी ने उनसे पूछा बच्चों से प्रेम करते हैं बूढ़ों से क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा बच्चों में कोई बिगाड़ नहीं है, बूढ़ों में सारी बुरा पाए, बच्चे में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं है, मत्सर नहीं है, और दादाजी में भगवान है। हाथ नहीं काम कर रहा है, पैर नहीं काम कर रहा है, शरीर बिल्कुल कांप रहा है, फिर भी तिजोरी की ताली। अरे बेटा बड़ा हो गया उसको जिम्मेदारी दे दो, बहू आ गई माता जिम्मेदारी दे दो, बढ़िया दोनों पुरानी साथ ठीक से दाल रोटी खाओ, भगवान का भजन करो, क्या करोगे चाबी 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 चाबी। आए तो बालक सबको प्यारे होते, हम लोग घर में जाते हैं ना तो छोटा बच्चे को बुलाते हैं, टॉफी देते हैं, तो घर की घर का सारा समाचार बिना पूछे बताता है, बिना पूछे उसको कोई। तो एक बार घर में कोई सज्जन मिलने गए अपने मित्र से, उसका बच्चा बाहर खेल रहा था, सज्जन ने पूछा बेटा पापा घर में है, बोले देख के आता हूँ, तो पापा घर में बैठ के मम्मी के साथ चाय पी रहे, बच्चे ने कहा अंकल जी बुला रहे पापा बाहर, बोले जाके बोल लो घर में पापा, लड़का बाहर आया अंकल जी पापा मम्मी के साथ चाय पी रहे, मैंने कहा अंकल जी बुला रहे, बोले जाके बोल लो घर में पापा, फूल खुल गया कि नहीं खुल गया, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं, निर्मल होते हैं, इनमें कोई विकार नहीं होता, इसलिए बच्चा किसी का हो खिलाने का मन कहता है, है? तो आज भगवान शिव ने सोचा कि जिसके एक रूप में ब्रह्मांड है, आज अयोध्या जी में बालक बना है, बंधु बाल रूप श्री राम सब सिद्धि सुलभ जपत निसि जाम। तो गोस्वामी जी कहते अपने गीतावली रामायण में शंकर भगवान ज्योतिषी ब्राह्मण बने, ज्योतिषी ब्राह्मण कौन ब्राह्मण, एक बेपाठी होते हैं एक ज्योतिषी होते, सब लोग बेपाठी ब्राह्मण है, हम लोग के जीवन की शुरुआत ही वेद पाठ से हुआ है श्री आवर रामचंद्र की, और ब्राह्मण के पास कुछ हो चाहे ना हो लेकिन वेद जरूर हो, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण की पूजा समाज में वेद के द्वारा हुई, मेरा एक स्वभाव है कर्मकांड में 1,00,000 के श्लोक है कहाँ तक हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, ये मेरे गुरुदेव की प्रसादी, गुरुदेव कहा करते थे बेटा पूजा में शांति पाठ पूरा कटौती नहीं, शांति पाठ पूरा कटौती नहीं। ए भाई अब बार बार क्यों आ रहे हो, साउंड हमको परेशान करता है, यही श्री राम। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे वैदिक ब्राह्मण को पूजा में कटौती नहीं करना, कम से कम शांति पाठ पूरा करो, हैं? कम से कम शांति पाठ, आनो भद्रा से लेकर के विश्वाम देव से 12 मंत्र है, मैं अपने लिए इसको 3 बार पढ़ता हूं, प्रातःकाल की संध्या पूरा शांति पाठ, सायंकाल संध्या पूरा शांति पाठ, और मंच पर आता हूं तो बिना पूरा शांति पाठ के हम कथा नहीं प्रारंभ करते। तो शांति पाठ ब्राह्मण कह दे और पुरुषोक्त और श्री सूक्त सारी पूजा हो जाए इस यहां पर। तो आज भगवान शंकर जी ज्योतिषी ब्राह्मण, ज्योतिषी माने हाथ देखने वाला, चेला कौन है बोलो भूसुंडी जी महाराज की। तो शंकर भगवान ब्राह्मण बने होंगे तो धोती पहने होंगे, धोती ना धोती, नगलबंदी, मस्तक पर चंदन, मोटी चोटी है, और 2-4 वर्ष का पंचांग साथ में लिए होंगे भगवान शंकर, ज्योतिषी बन गए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो बताए नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बताए नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब यात्रा में कहीं जाओ है? कहीं जाओ, पत्नी साथ में है तो नो टेंशन। हाँ मैं कभी कभी कहा करता हूँ दुनिया एक जंग है ठाकुर भैया, दुनिया एक जंग है अगर पत्नी संग है, दुनिया एक जंग है अगर पत्नी संग है, सीता ने प्रेम किया तो राम बन गए, राधा ने प्रेम किया तो श्याम बन गए, जबरदस्ती प्रेम किया तो आसाराम बन गए, सियावर राम है, और किसी ने इससे नहीं प्रेम किया तो बाबा रामदेव बन गए। कहने का मतलब है कि जीवन में पत्नी और पति दोनों को साथ रहना चाहिए, कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए भगवान शिव ने पार्वती से कुछ कहा नहीं मैं कहां जा रहा हूं, कहीं नहीं जाती, फिर भी शंकर भगवान
वो शिव ब्राह्मण बने, भसुण जी चेला बने और दोनों अयोध्या में आ गए। वो स्वामी जी कहते परमानंद प्रेम मन फूले बीथिन फिर ही मगन मन भूले। आज अयोध्या में भोले बाबा पार्वती ने कहा अच्छा चलो महाराज आप हमसे चोरी किए हो तो पता चलेगा। आज आपका हुक्का एक दासी का रूप लिया और राजमहल में आ गए। राजमहल में दशरथ जी कहती है महाराज मैं आपके बच्चों की सेवा करूंगी क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं और हम सेवा करना बढ़िया जानते हैं। भगवान शंकर जी से दशरथ जी ने कहा ठीक है। जिसको जहां बैठना हो एक बार बैठ जाओ और माता जी अपना आएंगे अपने ढंग से बैठ जाएंगे। सिया बलराम माता है हमारी बड़ी सिस्टर बोलिए माता जी की, इनको कहना नहीं पड़ता, इनका अपना साफ बिल्कुल सेटल है, साफ सेटल है और इन्हीं के ऊपर तो मेरा देश टिका हुआ है। बोलिए भारत माता की जय। बोलिए भारत माता जय। मेरे भारत की पहचान केवल माता से है, केवल माता से। तो भगवान शंकर जी हाथ माता पार्वती जी राशि बन के अयोध्या में आई और महाराज के द्वार पर गई और सीधे महल में महाराज आपके बच्चे छोटे हैं और हमको राशि हमको सेवा करने का बढ़िया अनुभव है। दशरथ जी ने कहा थोड़ा परिचय बताओगी। बोले क्या करोगे परिचय महाराज। बोले नहीं आपको थोड़ा परिचय बताना पड़ेगा कहाँ रहती हो। माता जी ने कहा मैं काशी में रहती हूँ। बोलिए काशी धाम की जय। नाम क्या है। बोले मेरा नाम अन्नपूर्णा देवी है। अरे वाह क्या बात है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देही च पार। अच्छा आप काशी में कहाँ रहती हो। विश्वनाथ गली में सियावर राव। अच्छा आपके उनका क्या नाम है। बोले विश्वनाथ शर्मा। बता दिया सब। आपके बच्चे। बोले हाँ दो बच्चे हैं गणेश शर्मा और कार्तिकेय शर्मा। अच्छा आप दो बच्चों की माँ। बोले हाँ हमारे दो बच्चे। अच्छा माता जी आप चली आई बच्चे कैसे खाते होंगे। माता जी ने कहा मेरे बच्चे बड़े हो गए अपने हाथ से बना के खा लेते हैं। अच्छा माता जी बहुत अच्छी बात आप मेरे बच्चों की सेवा करो जल्दी मेरे बच्चे जवान हो जाए। अच्छा माता जी ये बताओ आप सेवा में कुछ लोगी। पार्वती अम्बा ने कहा नहीं सेवा में कुछ लिया ही नहीं जाते। राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत तुलसा की। सेवा में क्या और सेवा से ही मेवा मिलता है। रेत तय करने से मेवा नहीं मिलता है सेवा से ही मेवा मिलता है। हनुमान जी राम जी की सेवा किया कौन सा रेट तय किया था। हनुमान जी कितना लेंगे तो सेवा करेंगे आपकी कहा था हनुमान जी। लेकिन सेवा का फल हुआ कि बाप रे बाप जहां जहां देखो हनुमान जी को लह लड्डू लह लड्डू लह लड्डू लह लड्डू। माता जी ने कहा बस एक मेरी इच्छा है कि जब तक मैं न कहूं तब तक राम जी का दर्शन किसी को दिया। दशरथ जी ने कहा ठीक है अब तुम्हारा परमिशन होगा तभी लाला को कोई देखेगा। पार्वती ने कहा भगवान शंकर से लो महाराज आप हमको छोड़ के आए हो पता चल जाएगा कि पत्नी से झगड़ा कितना महंगा पड़ता। दशरथ जी का गेट बंद हो गया। गेट पर एक साइन बोर्ड लग गया जो दर्शनार्थी जहां से आए अपने अपने घर लौट जाए 5 वर्ष के लिए राम जी का दर्शन बंद किया जाता है। जब राम जी बड़े होंगे तो दर्शन खुलेगा। आज्ञा अथवा आदेश। ओ दासी काशी वाली बोलो अन्नपूर्णा मैया की। ताला लटक गया। शंकर महाराज भूल रहे हैं यहाँ बड़ा सुंदर भाव गोस्वामी जी कहते हैं और एक निज चोरी चोरी सोन गिर जायते दृढ़ मत तो काग भूषण संग हम दो काग भूषण संग हम दो मनोज रूप जा रही नहीं को मनोज रूप जा रही नहीं को। भगवान शिव ने सोचा कि दर्शन कैसे मिले। तब तक पार्वती जी महल के ऊपर खड़ी है और गोद में राम जी को लेके बोलो आनंद कंद भगवान। शंकर भगवान से माता जी कहती है
अरे देवी आप बोले हाँ हमको साथ नहीं लाए ना जाओ पांच वर्ष के बाद फिर आना शिव जी अरे देवी एक बार क्षमा करो या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण परिचिता देखो भाई घर में अगर नाराज हो जाए तो उनको मनाना चाहिए सियावर राम जन ये तो होता रहता है किसी बात को लेकर अगर टेंशन में है तो आप उस पर समझौता करके कंप्रोमाइज करके समझाओ हैं बंद हो पत्नी के चरण जास कृपा सुख हो जाके भ्रिकुटी विलास से एकादशी व्रत हो राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन है तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन श्री वृंदावन धाम को मरम न जाने को जह डाल डाल अरु पात पात पे राधे राधे हो शंकर भगवान ने कहा अच्छा देवी एक बार दर्शन राम जी का दिला दो फिर दोबारा कहीं जाऊंगा आपको लेके जाऊंगा भगवती कहा ठीक है आप ब्राह्मण वेश में हो अपना दिमाग लगाओ तो शंकर भगवान राजद्वार के सामने सबका हाथ देखना शुरू किया अब इसका हाथ भगवान शंकर देखेंगे उसके भाग के बारे में क्या कहना जब शंकर भगवान लगे हाथ देखने तो गोस्वामी जी गाते हैं गीतावली रामायण में हैं अवध आज आगे मी एक आयो अवध आज आगे मी एक आयो अवध आज कहत सब गुरु गनु बहुतन परिचय पायो अवध आज आज में एक आयो अवध आज आज में एक आयो बूढ़ो बड़ो प्रमाणित ब्राह्मण शंकर नाम सुहाय संग सुशेष सुनत कौशल्या संग सुशेष सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो अवध आज आदमी एक आयो अवध आज चरण पखारे पूज दियो आसन असर बसन पहिरायो मेले चरण चार चारो सुख मेले चरण चार चारो सुख माथे हाथ दिवायो अवध आज आज भी एक आयो अवध आज आज भी एक आयो अवध आज आज भी एक आयो बाज जे नख शिख बाल बिनों के बेप्रतन पुलक नयन जल छायो नख शिख बाल बिनों के बेप्रतन पुलक नयन जल छायो लय लय गोद कमल कर निरखत लय लय कमल कर निरखत उल आनंद समायो अवध आज आगमी एक आयो
हो कौशिक ने सिय स्वयं वर गायो जनम प्रसंग कहो कौशिक विश्व सिय स्वयं वर गायो भरत लखन रिपो दमन भरत युको भरत लखन रिपो दमन भरत युको जय जय सूर्य ससुहायो हरगनी गीत गायो यजराजु हरगनी गीत गायो तुलसीदास रनि वास रहस बस हो सबके मन भायो तुलसीदास रनि वास रहस बस हो सबके मन भायो लय लय दानु मही देवयशीश देवयशीषत सानंद भवन सिधायो यवधियाजु आगनी एक आयो यवधियाजु आगनी एक आयो यवधियाजु आगनी एक आयो बोलिए न बोला मैया की जय हो बोलिए बाबा विश्वनाथ की बोलिए बाबा वैद्यनाथ की बोलिए बाबा बटेश्वरनाथ की बोलिए काली मैया की हैं। तो आज भगवान शंकर हाथ देखना शुरू किया हाथ तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है ये गीतावली रामायण बहुत सुंदर भाव दिया जब हाथ देखने लगे अयोध्यावासी बाबा हमारा हाथ देखो बाबा हमारा हाथ बाबा शोर मच गया पूरी अयोध्या में हिलोर आ गया है हिलोर आ गया द्वारपाल अंदर द्वारपाल महल में गया और महारानी से दरवाजे पर बड़ा सुंदर एक ज्योतिषी ब्राह्मण आया अगर आप राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जी का हाथ दिखाओगे तो बढ़िया फल बताएगा माता जी ने पूछा कैसा ब्राह्मण है बोले प्रमाणिक ब्राह्मण है बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक पहले समाज में बूढ़ों का सम्मान होता था आज के समाज में बूढ़ों का अपमान जब जब समाज में बूढ़ों का सम्मान होता था तो समाज क्या रहा अब आज बूढ़ों का समाज में अपमान हो रहा एक बार कहीं शादी में बारात जा रही थी शादी के लिए बारात जा रही थी तो शादी में जहां बारात जाना था वहां के लोगों ने लड़के के बाप को एक पत्र लिखा अगर शादी में कोई बूढ़ा आएगा तो शादी नहीं होगी हैं? शादी में कोई बूढ़ा आएगा तो शादी अब सारे बच्चे परेशान हो सारे बूढ़ों से कहा कि बाप को शादी में नहीं लगना लेकिन लड़के का जो बाबा था लड़के के बाप का जो बाप था उसको मारे बाबा बोलते हैं बाबा लड़के के दादा ने कहा बाबा ने कहा बेटा लगता है कोई दाल में काला है तो हमको जरूर ले चल बोले नहीं अगर पता चल गया कोई बूढ़ा आ गया है तो लड़का बिना भी आए वापस आ जाए बेटा छुपा के लिए चलो बोले किसने बोले आलू के बोरा में बंद करो एक कुंटल आलू के बोरा में दादा को भरा गया बाबा को आपके हम बाबू जी क्या बोलते पिता के पिता को दादा बोलते हैं हमारे यहाँ बाप के बड़े भाई को दादा बोलते हैं और बाप के बाप को बाबा बोलते हैं सियावर रामचंद्र अपने अपनी भाषा में है तो आज दादाजी को आलू के बोरा भर करके वो सी दिया गया और ट्रैक्टर पे डाल दिया गया ट्रैक्टर पे फिलहाल बारात पहुंच गई जहां शादी होना था कन्या पक्ष ने देख लिया कि शादी में कोई बूढ़ा नहीं आया है तो फिर एक चिट्ठी भेजा हमारे बगल एक नदी बहती है नदी में दूध भरा दो तो शादी होगी सारे नौ क्या बोलते नहीं यंग लोग कि भाई 10-20 क्विंटल हो तो दूध मंगा दे नदी में इतना दूध कहां से भरा जाए और दादा ने कहा था बेटा जब तेरी गाड़ी फंसेगी तो हमको बताना
जब पूरी बारात परेशान की इतना दूध कहाँ से मंगाओगे, तब लड़का का बड़ा भाई बोला, दादा गाड़ी फंस गई। क्यों? बोले कन्या पक्ष वालों ने कहा मेरे बगल एक नदी है, इसमें दूध भरा दो तो शादी होगी। दादा ने कहा अरे बेटा पहले हमको बोरा से निकाल दो। बोरा खोला गया, दादा को बोरा से बाहर निकाला गया। दादा ने कहा बेटा कन्या के बाप को बोलो पहले नदी का पानी खाली तो करा दे। हाँ जोर से ताली बजाओ। हाँ लड़के के बाबा और दादा ने कहा बेटा लड़की के बाप को बोलो कि पहले वो नदी का पानी तो खाली करा दे, हम नदी में दूध भरवा देंगे। तो लड़के के बाप को लगा कोई बूढ़ा जरूर आ गया है, क्योंकि बूढ़ा के बिना इतना बुद्धि काम करेगी है? जिस समाज में बूढ़ों का सम्मान है भैया, हम भी तो बूढ़े होंगे, हो नहीं बूढ़े होंगे है? अरे हम वाला भी तो बाल पकेगा, हम भी तो, इसलिए बड़ों का सम्मान होना चाहिए। महाराज मनु ने लिखा है मनुस्मृति में, जिस घर में बूढ़ों का सम्मान होता है, अभिवादनशील नित्य वृद्धो विषेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्तम् आयुर्विद्या जसो बलम। जिस घर में बूढ़ों का सम्मान होता है उस घर में आयु विद्या जस और बल चार की प्राप्ति होती है। तो द्वारपाल कहता है जो ब्राह्मण है वो बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, बूढ़ा है बड़ा है, और प्रमाणिक माने लगता है कि भेष ब्राह्मण का है। संग में कोई है बोले चेला है। कैसा चेला? सुशिष्य। सुशिष्य माने बढ़िया चेला हो, गड़बड़ झड़बड़ नहीं है। सुशिष्य मतलब सुंदर चेला है। तो पार्वती जी ने कहा गुरु को लाओ लेकिन चेला बेला को न लाना। भुसुंडी ने कहा माता जी मैंने कौन अपराध किया जो हमको नहीं बुलाया जा रहा है। अन्नपूर्णा ने कहा तू एक बार नहीं भोले से कहा गुरु जी माता जी को ले लो, माता जी को ले लो, इसलिए तुझे नहीं बुलाना है।